हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल टेक मस्ती। मैं हूं आपकी दोस्त और इस शो की होस्ट अदिति। इस वक्त मैं हूं 3CS PVR के बाहर और मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूं मूवी रिव्यू के लिए, क्योंकि आज फ्राइडे है। बहुत सारी मूवीज़ एक साथ रिलीज़ हो गई है, जिसमें मेड इन चाइना है, जिसमें है सांड की आँख और सबसे मच अवेटेड मूवी है हाउसफुल 4। चलिए दर्शकों से जानते हैं कि आखिर उनको इतने सारे स्टारकास्ट के साथ बनी फिल्म हाउसफुल 4 कैसी लगी। So how was the movie? Good. Yeah. As usual, Akshay Kumar fan. Okay. And khiladi tha ab pura khel hu. So how was the movie? Movie was fine. Good movie. Yeah. Movie bahut acha hai. Fully comedy. Which movie? Hausful 4. How was the movie? It was okay. Not much entertainment. It was not laughing points was very less. Achhi hai, comedy achhi hai. Achhi hai, kafi achhi hai. It's my first movie. मूवी इज़ ग्रेट, लाइक अक्षय कुमार की कॉमेडी टाइपिंग बहुत अच्छी है और काफ़ी सारे सीन्स हैं जिसमें कॉमेडी बहुत अच्छी है और मतलब एक टाइम पास है, एक फैमिली एंटरटेनमेंट है, बहुत अच्छा। कैसी लगी मूवी? बहुत बढ़िया, अच्छी है। अक्षय कुमार की एक्टिंग कैसी लगी? कदर, बढ़िया है बहुत। अब कौन सी मूवी देख के आ रहे हैं? मैं हाउसफुल 4 देख के आ रहा हूँ। मूवी बहुत बढ़िया थी, अच्छी थी, इंटरेस्टिंग थी और बहुत ज़्यादा कॉमेडी भी है इसमें। तो कैसी लगी मूवी? इट वॉज वेरी ऑसम, I liked it so much. Okay. I personally feel बिल्कुल मतलब कोई मजा नहीं आया, मतलब ऐसा नहीं था, पैसा वसूल मूवी बिल्कुल नहीं, मतलब ये ऐसा नहीं है कि इसको हॉल पे देखने लायक है, मतलब ऐसा नहीं है। अक्षय कुमार इस मूवी में है फिर भी? हाँ, मतलब एक्चुअली मतलब बेफालतू का लाफिंग डालने की कोशिश, लाफिंग पंचेस वर वेरी लिटिल। ओके, तो जितने सीक्वल्स इसके पहले बनी है उसका जैसा नहीं है, फुल टू एंटरटेनमेंट। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मूवी है। अक्षय कुमार की एक्टिंग के बारे में कुछ बताइए। एक्टिंग मतलब अक्षय कुमार का ही बढ़िया, जबरदस्त, मतलब बोलने का ही लायक नहीं है, एकदम पूरा जबरदस्त, फटाफटी। इतने सारे स्टारकास्ट एक साथ, नवाजुद्दीन का क्या रोल है? नवाजुद्दीन का छोटा ही है रोल, लेकिन उसका भी एक्टिंग जबरदस्त था, जबरदस्त एक्टिंग था। बाकी सारे सीक्वल से ये कितना अलग? सीक्वल से बहुत अलग है, क्योंकि थर्ड पार्ट आपका डिफरेंट चीज के लिए था और री इनकार्नेशन के ऊपर है, सो इट्स वेरी गुड। सो अक्षय कुमार की एक्टिंग कैसी लगी? बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छे, वो मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, तो इसके पहले जितने सारे सिक्वल्स आए हैं, पैसा ही है या थोड़ा सा हटके है ये मूवी? थोड़ा सा हटके है, काफ़ी बेटर है, बहुत अच्छा फील हुआ। एंड आफ्टर माय फेवरेट एक्ट्रेस इज जेनिफर विंगेट, एंड आफ्टर दैट, आफ्टर लाइक सो मच ऑफ इयर्स, आई हैव सीन अ ब्यूटीफुल गर्ल लाइक कृति सैनन, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड ऑब्वियस। सॉन्ग्स बहुत अच्छे हैं मूवी। सॉन्ग्स बाला वाला तो माइंड ब्लोइंग, हमने बहुत एंजॉय किया, एंजॉय किया, बेटे के साथ छुट्टी ली, माँ को लेके आए और अक्षय कुमार का बहुत बड़ा फैन है। अक्षय कुमार की एक्टिंग कैसी थी इसमें? बहुत बढ़िया है, बहुत कॉमेडियन है वो, तो मेरे को पहले से वो लेजेंड है, मेरे को स्टार्टिंग से बहुत पसंद है अक्षय कुमार, मैं उसको फॉलो भी करता हूँ, सो बहुत बढ़िया था। सारे सीक्वल्स, इसके पहले भी हाउसफुल के बहुत सारे सीक्वल्स आए हैं, उसके मुकाबले में कितना हटके है? सारे सीक्वेंस से थोड़ा सा ये हटके है, कुछ इसमें नया है, इंटरेस्टिंग है और कुछ इसमें एनीसेंट टाइम के टाइम बारे में दिखाया गया है, कुछ पुरानी चीज़ें इसमें बताई गई है, जो कैसे मतलब लोग अपने पास्ट में जाते हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं, पुराने टाइम में क्या क्या होता था, वो सारी चीज़ें दिखाई गई हैं इसमें। चंकी पांडे इज़ ऑलवेज गुड, यू नो ही इज़ अ वेरी ग्रेट एक्टर एंड इज कॉमिंग टाइम इज ऑलवेज गुड, लाइक बॉबी देओल काफ़ी सालों के बाद आए हैं कॉमेडी मूवी में, ही इज़ डन अ ग्रेट जॉब। और इतने सारे खूबसूरत लड़कियां इस मूवी में, लाइक हीरोइंस, उनके बारे में क्या कहेंगे? कीर्ति सेनन इज लुकिंग फैब, आई विल से शैतान का वो बहुत बढ़िया लगा, उसमें डांस बहुत बढ़िया है। बाकी सिक्वल से ये मूवी कितनी अलग लगी? बाकी स्टोरी बहुत बढ़िया है इसमें, मतलब वो पुरानी टाइप की, थोड़ी आधी पुरानी मिक्स है आधी नई है, तो बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। कीर्ति सेनन कैसी लगी इस मूवी? कौन? कीर्ति सेनन बहुत अच्छी लग रही है, वो तो हर मूवी में जहर लगती है, कोई सी मूवी याद है। इस मूवी में बहुत सारे स्टारकास्ट एक साथ काम किया है और बहुत सारे खूबसूरत हीरोइंस हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें बॉबी देओल ने फिर से एक मतलब अभी बहुत टाइम से उन्होंने मूवी बनाना बंद कर दिया था, वो अभी आए हैं रिसेंटली, तो फिर से एक नया एक अपना फेस लेके, एक नया वो लेके, एक्टिंग लेके, तो काफ़ी अच्छा लगा उनको देखने में, बढ़िया उन्होंने कॉमेडी करी, वैसे भी वो पुराने कॉमेडियन है, तो फाइनली बहुत बढ़िया थी मूवी। आउट ऑफ 5 कितना स्टार्स देना चाहेंगे आप? 3.5। मैं इसको 5 out of 5 देना चाहूँगा। आई वुड बी गिविंग इट 4 stars. 4. एकदम 4.1. आउट ऑफ 5 कितना स्टार्स देना चाहेंगे? 2.5. सेम 2.5. 4.5. 4. 4? ओके. 5. लेकिन एक और वो यार अक्षय कुमार बोलता था कि कौन कहता है कि
बाजी किसी का नहीं हुआ, आज जो वीकेंड लिया आज पूरा पैसा वसूल हो गया। लवली लवली। तो देखा आपने कि दर्शकों को ये मूवी काफ़ी पसंद आई है, वहीं कुछ लोगों का कहना है कि ये पैसा वसूल मूवी नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से आप इस वीकेंड के लिए इस मूवी का टिकट बिल्कुल बुक कर सकते हैं, क्योंकि इस मूवी पे आफ्टर ऑल खिलाड़ी कुमार है। ऐसी और भी बॉलीवुड अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड से जुड़ी मसालेदार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगले फ्राइडे में फिर मिलूंगी कोई और मूवी रिव्यू के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहें चैनल टेक मस्ती। टाटा बाय बाय। सब्सक्राइब करें चैनल टेक मस्ती, hit the bell button and get the notification.